अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, अभी जो है शाम का वक्त है और मगरब की अजानें भी हो रही हैं, तो आज मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि आज कुछ खास प्लान्स नहीं थे और कुछ तबीयत भी लो थी मेरी, क्योंकि हैदराबाद से यहाँ पे जो आया हूँ तो माहौल चेंज हुआ है, पानी वगैरह चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा गला ख़राब है। तो अल्लाह खैर करेगा, ऐसी में कोई भलाई होगी। तो आज रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की थी क्योंकि कुछ खास प्लान्स वगैरह नहीं थे और कुछ खास काम नहीं किया, तो वैसे भी गला भी ख़राब था इसलिए सारा दिन अंदर बैठा था। तो अभी मैंने सोचा थोड़ा ऊपर चला जाऊँ, कुछ फ्रेश हवा सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि कुछ हवा खा के आऊँ। तो अभी जो है शाम का वक्त है और अभी मैं ऊपर छत पे मौजूद हूँ और यहाँ पे ठंड बढ़ती हुई बढ़ रही है, मतलब कि ज़्यादा हो रही है। हैदराबाद में इतनी ठंड नहीं थी जितनी यहाँ पनवाकल में ठंड है, तो कल रात से माशाल्लाह बहुत ठंड हो रही है, लेकिन हैदराबाद में बहुत गर्मी थी, पता नहीं क्यों। शायद वहाँ जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और फैक्ट्रीज वगैरह और गाड़ियों का ट्रैफिक जो होता है, और उसकी वजह से मे बी इस पे वेदर पे असर अंदाज पड़ता है, तो इस वजह से हैदराबाद में ठंड कम थी। वैसे जब जामशोरों में मैं यूनिवर्सिटी में था तो तब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती थी कोई याद नहीं। वैसे जामशोरों तो ओपन माहौल है, खुला इलाका है, वहाँ पे तो ठंड पड़ सकती है बिल्कुल। चार साल जब मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग स्टडीज था तो माशाल्लाह बहुत सारी ठंड पड़ती थी। तो अभी जो है पनवाकल में माशाल्लाह काफ़ी ठंड हो गई, अभी भी हल्की हल्की ठंड है, वैसे भी मगरब का टाइम है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, माशाल्लाह बहुत पुरसकून माहौल हो गया है पनवाकल में। और अभी जो है तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा छत पे चला जाऊं और फ्रेश हवा खा के आऊं, तो बहुत ही ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो आप देख सकते हैं वही पुरानी छत पनवाकल की, ये पीछे डिश लगी हुई है, नीचे जो है मेन गेट है हमारे घर का, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो हमने अलमारी बाहर निकाली है, यो जस्ट बिकॉज ऑफ गेस्ट आए थे तो उसकी वजह से, और इसकी जो स्टैंड है वो ख़राब हो चुकी है, ये मुझे कल रिपेयर करवानी है। तो दीमक होती है ना, दीमक तो उसने इस पर हमला कर दिया था, तो इस वजह से इसकी जो है स्टैंड है, टांगे हैं, वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इसको कल मैं रिपेयर करवाऊँगा। आज मिस्त्री को मिले आया था, मिस्त्री भाई ने कहा कि इंशाल्लाह ये सेट हो जाएंगी, रिपेयर हो जाएंगी और सही से फिर स्टैंड हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। अभी इसको हमने सपोर्ट दी हुई है, जो ईंटें होती हैं ना, ईंटें वो दी हुई हैं, उस पर ये खड़ी हुई है ईंटें पे। तो जब वो कल मिस्त्री भाई आएंगे तो ये ले जाएंगे, फिर ये रिपेयर करेंगे, फिर ये सही हो जाएगी। तो इस वजह से ये हमने बाहर निकाली हुई थी, रिपेयर भी करवानी थी और गेस्ट वगैरह भी आए थे, तो इस वजह से इसको बाहर निकाला था। तो यही कुछ बातें थी आप लोगों से शेयर करनी थी, और ठंड माशाल्लाह बहुत है। तो कल फ्राइडे है, कल कुछ खास प्लान है, तो दोस्त वगैरह भी आएंगे, तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होगा, तो अल्लाह खैर करेगा। तो मिलते हैं कल किसी न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ, आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं इख्तिताम, तो मिलते हैं कल। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरे चैनल पर न्यू है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियोस का अपडेट आप सबको मिलता रहे। तो मिलते हैं कल किसी फ्रेश न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। लिव लॉन्ग पाकिस्तान, अल्लाह निगेबान।